संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 66वें महापरिनिर्वाण दिवस पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने अंबेडकर चौक स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया व बाबा साहब को श्रद्धासुमन अर्पित कर याद किया। विभिन्न संस्थाओं के वक्ताओं ने बाबा साहब की जीवनी पर प्रकाश डाला व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा सर्व समाज के लिए किए गए कार्यों के बारे में भी बताया। संस्था से आए पदाधिकारियों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए उनके दिखाए मार्ग पर चलने की अपील की। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री राजकुमार यादव ने बताया कि बाबा साहब ने समरस समाज की परिकल्पना को साकार करने के लिए सभी वर्ग व समाज को संविधान के माध्यम से एक समान अधिकार दिए हैं। इसलिए सभी प्रकार के भेदभाव की चिंता किए बिना हम सबको समरस समाज के लिए लगातार कार्य करते रहना चाहिए। इस अवसर पर अखिल भारतीय मानव कष्ट निवारण समिति के अध्यक्ष शिवकरण मेहरा, वाल्मीकि जान कल्याण समिति के प्रधान रोहताश वाल्मीकि, विश्व हिंदू परिषद जिला धर्म प्रसार प्रमुख आशीष कुमार, एडवोकेट कमल निम्बल व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में बावल में संविधान निर्माता बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। विभिन्न संस्थाओं ने बाबा साहब का 66वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया। बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर अनेक सामाजिक संस्थाओं की ओर से उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। बावल में भीमराव अंबेडकर पार्क में लगी बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर रामकिशन महलावत ने कहा कि भारत का स्वरूप पहले राजतंत्र था, लेकिन प्रजातंत्र बाबा साहब संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की ही देन है। उन्होंने कहा कि अब लोकतंत्र हाशिए पर है। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। इस अवसर पर अंबेडकर समिति बावल के संस्थापक आरपी सिंह, प्रधान चेतराम रिवाडिया, प्रधान बलजीत सिंगला, प्रभु दयाल कार्यकारिणी सदस्य ईश्वर सिंह महलावत, प्रेम रोहिल्ला, संजय सिंह, मास्टर लीलू राम आदि उपस्थित रहे। बाबा साहब अम्बेडकर 66वां जो महापरिनिर्वाण दिवस है और बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस को उपलक्ष्य पर शहर की सभी सामाजिक संस्था संगठनों के प्रतिष्ठित सदस्यों ने बाबा साहब को भावी श्रद्धांजलि अर्पित की है और आज पूरे देश के अंदर बाबा साहब को श्रद्धा सुमन और नमन किया जा रहा है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर पूरे देश के पूरे विश्व के एक महान मानव थे। उन्होंने देश के अंदर समाज के लिए अग्रता होकर बहुत बड़े कार्य किए जो आज तक कोई कम नहीं था, और बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि आज के दिन हम यही मानेंगे कि सरकार जो है गरीब लोगों के लिए जो बाबा साहब के जो अधूरे कार्य सपने थे चाहे जो उनको पूरा करने का कार्य करे सरकार के लिए बड़ी सफल। सरकार बाबा साहब के सपनों में साकार करे। सोचा था जो सरकार नहीं कर पा रही थी लोगों की सभी मांगे मांगे करके बारे में जो है ये ऐसे महामानव थे जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया है और अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर अमेरिका के अंदर बाबा साहब जन्म लेते तो हम इसको सूरत कहते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने सारी उम्र चाहे समाज के लिए जाति विहीन समाज के संरचना के लिए अपना जीवन नौछावर कर दिया, अपने बच्चों को जो है जीवन नौछावर कर दिया। इसलिए जो है बाबा साहब ने जो हमारे समाज के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के लिए समता मूलक समाज की संरचना के लिए उन्होंने अपना जीवन पर्यंत कहना संघर्ष जारी रखा, और आने वाले जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं उनको यहाँ तक कह दिया कि अगर आपने इस समाज को सुधारना है तो शिक्षा की ओर जब से ध्यान दीजिए और शिक्षित बनो, संकित बनो और संघर्ष करो का
नारा दे करके उन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए ये वचन दिया था। आज हमारे लोग हैं एकत्र होकर के विभिन्न संगठनों में भी बटे हुए हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे कितने भी संगठन हो, लेकिन जब कोई समाज के सुधार के लिए, समाज के विकास के लिए बाबा साहब की जो संदेश थे उनको जो है ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए एकजुट होकर के काम करें, तो हम सोचेंगे बाबा साहब के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। इस कार्य को हमने आगे बढ़ाना है, पीछे नहीं ले जाना है, यही मेरा नाम सोहन मेहरा है। मैं बाबा साहब के प्रति जो है यही कहना चाहूँगा कि आज जो है 66वां जो है निर्माण जो है दिवस मनाया जा रहा है, और यहाँ पर जो है सभी संस्थाओं के सभी समाज के लोग एकत्रित हुए हैं और बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि अनुसूचित जाति के प्रति जो है बाबा साहब ने जो कार्य किए हैं वो बड़े सराहनीय हैं, और इन्होंने जो अपना सारा जीवन जो है इन लोगों ने लगाया और पूरे समाज की जो है बात करी, और जो संविधान हमें जो देखे गए हैं उस संविधान में जो है ऐसी ऐसी चीज़ें लागू की है कि शायद है सरकार उस चीज़ को लागू नहीं कर पाई है आज तक। और हम चाहते हैं कि हमारा जो है जितना भी जो अनुसूचित जाति समाज है उसके प्रति जो है अगर आस्था रखते हैं तो हमारा जो है संविधान के प्रति जो जितनी भी जो चीज़ें लागू हुई है उसको हक हमें दिया जाए, और उसमें जो जितने भी कानून बनाए गए हैं उन कानून को पूरी तरह से लागू किया जाए। हमें जो अभी गरीब परिवारों के लिए जो है अब आयुष्मान जो कार्ड बन रहे हैं उस आयुष्मान कार्ड की भी जो हमने अभी जो है आवाज़ उठाई थी, बहुत से जो है गरीब आदमियों के जो है आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, और शिक्षा में भी जो है इस तरह का व्यवहार हो रहा है, पढ़ाई के प्रति जो है शिक्षित जो है जितने भी जो है मास्टर जो है वो जो है इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, बच्चों को पीट देते हैं और उनका जो है इस तरह का व्यवहार देखते हुए जो है सभी ने जो है आज जो है बहुत सी जो है संस्थाओं ने जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि चढ़ाई है, और श्रद्धांजलि बाबा के प्रति वाले वही सच्चे ऐसी होती हैं जो बाबा साहब का नाम लेते हैं। आज जो भगत भीमराव अम्बेडकर का 66वां महापरिनिर्वाण दिवस है उस पर मैं समस्त साथियों को समस्त महात्मा बाबा साहेब के प्रति जो श्रद्धांजलि व्यक्त करें उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो मार्ग दिखाया और भारत में धर्म निरपेक्ष संविधान की संरचना करके उन्होंने इस भारत को एक समृद्ध भारत विश्व गुरु के रूप में देखना चाहा, लेकिन आज इस संविधान इस पर्यावरण दिवस पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो धार्मिक कट्टरता बढ़ती जा रही है ये राष्ट्र हित के लिए ठीक नहीं है। गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य में ज़रूर ध्यान देना चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएँ हैं देश के नागरिकों की उस पर ध्यान देते हुए जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मूलभूत सिद्धांत संविधान में लागू किए उनको लागू करने का प्रयास करना चाहिए सरकार ने। बाकी आप सभी देख रहे हैं कि अभी फिलहाल जो धार्मिक कट्टरता जातिवाद बढ़ रहा है ये देश हित के लिए ठीक नहीं है। विश्वगुरु भारत जब ही बनेगा जब हम समृद्ध होंगे, एक होंगे और समस्त संविधान के अनुरूप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई यही नारा प्रचंड होगा, तभी भारत एक विश्वगुरु के रूप में सक्षम होगा। परिनिर्वाण दिवस है, इसको मैं ये कहना चाहूँगा अब इस सभी को बाबा साहब के जो पद चिन्ह हैं उस पर चलना चाहिए, बस यही तो को 66वां मनाया जाएगा। सभी को पुष्पांजलि अर्पित किए हैं और सभी को इसको मिलजुल कर एकजुट होकर ही काम करने चाहिए, और उसके जितने भी पद चिन्ह हैं उसको मनाना चाहिए, ना कि खाली फूल माला चढ़ाने से कुछ नहीं होता। उसके पद चिन्हों पर चलेंगे तो भी कामयाबी है। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब की एक 66वीं पुण्यतिथि है, और इस अवसर पे उनको याद करने के लिए एक सम्मान देने के लिए हम यहाँ आए, मालार्पण किया है। और आज जो आप ये भारत का स्वरूप देख रहे हो कि पहले राजतंत्र था आज प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र के लिए जो एक सुनहरा संविधान बाबा साहब ने मुहैया कराया
वो आज हाशिए पर है। ये चुनौती हम सब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वादियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आज जितनी भी हमारे स्वायत्त संस्थाएं थी, चाहे वो RBI है, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर है, कमीशन है, चाहे वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, तमाम ऐसी स्वायत्त संस्थाएं जो स्वतंत्र रूप से कार्य करनी चाहिए थी, आज प्रेस की आज़ादी है, तमाम ऐसी वो स्वायत्त संस्थाएं जिनको गल घोटा जा रहा है और ये डेमोक्रेसी के सेहत के लिए हानिकारक है, ये ठीक नहीं है। हम ये संकल्प लेते हैं कि इस देश की आज़ादी को ज़िंदा रखने के लिए इस संविधान को ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है और संविधान के सम्मत जो भी चीज़ें हैं जिनकी स्वायत्तता है वो बरकरार रहनी चाहिए, जिससे कि हम ये कह सकें कि हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं।